मुताबिक कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर शब्द बाण भी चलाए गए, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक कांग्रेस के सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अपने ही विधायकों की इस बगावत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंता बढ़ा दी है। और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस की 40, बीजेपी की 25 और 3 निर्दलीय के पास हैं। इधर कांग्रेस में बगावत की खबर से हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी ने तो सरकार के अल्पमत में होने का खुलकर दावा भी ठोक दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बदले समीकरण से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। अगर 9 विधायकों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का वोट गणित 34 पहुंच जाएगा। कांग्रेस भी 43 से घटकर 34 पर आ जाएगी, जबकि बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए। इधर बीजेपी सरकार के बहुमत खोने का दावा कर रही है। वहाँ पर देखेंगे क्या हालात बनते, लेकिन मैं देख रहा हूँ धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बगावत की वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से विधायकों की नाराजगी भी हो सकती है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल राज्यसभा में बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट मिले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को भी 34 वोट मिले हैं। बीजेपी ने एक वोट की शिकायत दर्ज कराई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि साहब विधायकों को अगवा कर लिया गया है। समीक्षा राणा, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। समीक्षा बताइए क्या अपडेट। देखिए फिलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान दिया गया है कि जहां हिमाचल प्रदेश से शिमला से वोटिंग के बाद जो है वो यहां से सीआरपीएफ की गाड़ी हरियाणा सरकार के साथ यहां पर आती है और उन्हें हरियाणा के पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेकर जाती है। तो बड़ा कार्यप्रणाली पर भी देखिए सवाल जरूर उठना बनते हैं, क्योंकि यहां शिमला से सीआरपीएफ की जो गाड़ी है वो यहां से रवाना होती है एमएलए को लेकर। तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष जो है वो खरीद फरोख्त हिमाचल प्रदेश देवभूमि जैसी जगहों पर करने का प्रयास कर रहा है, जैसे अन्य स्टेट्स में जो है वो कर चुके हैं। तो देखिए आरोप जो है वो लग रहे हैं और हालांकि सुबह से ही उन एमएलए से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर यहां पर जिक्र किया है कि उनके जो घर वाले हैं उनसे संपर्क में हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी जो एमएलए हैं वो बातचीत अपने घर वालों से भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने परिवारों से भी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा बयान अभी की अगर बात करें तो सामने आता है कि पंचकुला उन सभी विधायकों को ले जाया गया है। 34 वोट आरोप दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट को भी 34 और बीजेपी के कैंडिडेट को भी 34, अब कैसे समझा जाए, अब आगे क्या? देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 5 बजे से करीब 10 मिनट पहले जो है वो एक अपनी जो वो है वो अपनी एक वो दायर कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने एतराज जताया है कि जो हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी के विधायक हैं बलबीर जो बबलू हैं सुदर्शन बबलू हैं वो जो है उन्हें पंजाब से जो है वो उन्हें सरकारी संपत्ति के साथ यहाँ पर लाया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने एतराज किया है और अपनी कंप्लेन भी फाइल की है। और अब उस कंप्लेन फाइल को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ था, दोनों अब टाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बड़े क्यास सुबह से लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि वो क्रॉस वोटिंग हुई है और उन विधायकों को ले जाया गया है। हालांकि अपनी नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसे ही नतीजे घोषित होंगे फौरन हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल का स्टेटस यही है कि बीजेपी उम्मीदवार को 34 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को भी 34 वोट, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता लग रहा है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन भेजा है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की